अच्छा 2.6 जो है ना बच्चों, उसमें जो हेडिंग है वो है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। ये जब मैंने आप लोगों को एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन बताए थे, तो मैंने उसी वक्त ये बात बताई थी कि इनका मकसद जो असल है ना, वो मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। ये तो अभी आप सीख रहे हो कन्वर्ट कैसे करना है, ये आपका पूरा बेस बनाई जा रही है। जब आप सीख जाओगे ना कि इक्लॉन फॉर्म में या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में आपने कैसे कन्वर्ट करना है, तो फिर मेन टॉपिक पे आ जाएगा। मेन टॉपिक क्या है कि भाई इक्वेशन को सॉल्व करो। जो इक्वेशन आपके पास मैट्रिक में होती थी, जिसको आप मैनुअली सॉल्व करते थे, उसको हम मैट्रिसेस के जरिए से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे वो टू अननोन वाली इक्वेशन नहीं होगी, थ्री अननोन वाली इक्वेशन होगी, जिसमें एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है। अब इन तीन इक्वेशन को आपने अगर सॉल्व करना है, तो हम यूज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। और मैट्रिक्स फॉर्म कैसे यूज करोगे, जस्ट इक्लॉन फॉर्म में, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जो पूरी आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया ना 2.5 में, अब आपने वो अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो पहले बेसिक बात पढ़ लेते हैं कि जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर वन होती है। इसको याद कर लो, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर वन वन होगी। जैसे एक्स आ रहा है तो एक्स की पावर वन, मतलब सिंपल एक्स लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर होगा तो वो लीनियर नहीं होगी। इसी तरह एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है, तो कोई पावर नहीं होनी चाहिए इनकी वन के अलावा। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर वन ही हो, उन इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। और उसमें वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी इक्वेशन ना हो टू एक्स वाई, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे, नहीं ऐसा ना हो, अलग अलग हो, टू एक्स प्लस थ्री वाई इस तरह लिखता हूँ, वेरिएबल मल्टीप्लाई भी ना हो। क्योंकि जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन पावर उनकी बढ़ जाएगी ना, वन प्लस वन पावर टू हो जाएगी अगर एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो कहने का मतलब, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर क्या होती है? वन के बराबर होती है, और वो आपस में कोई मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं होते, अलग अलग पूरे लिखे होते हैं। ये तो होगी लीनियर इक्वेशन की बात। अब सिस्टम क्या होता है? भाई सिस्टम, आपको पता है कि सिस्टम दो इक्वेशन से बना हुआ है, या तो दो इक्वेशन हो, या तीन हो, या चार हो, या इससे ग्रेटर हो। एक इक्वेशन को सिस्टम नहीं आप बोलते, एक से ज्यादा अगर आपकी इक्वेशन होंगी, चाहे वो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तो आप बोलोगे सिस्टम ऑफ, अगर इक्वेशन लीनियर है तो आप बोलोगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व कैसे करना है? देखो, जब आप सॉल्व करते हो ना, जितने आपके पास अननोन्स हैं उतनी आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। मैं भी आप लोगों के लेवल की बात कर रहा हूँ। जितने अगर तीन अननोन है तो आपको तीन इक्वेशन देंगे, जिसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके जो भी है वो सॉल्व कर रहे होंगे। आप इस सिस्टम को सॉल्व किस तरीके से करना है, या सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जब भी तीन इक्वेशन लिखी हुई है और आपको बोला जाए कि आपने इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब अननोन्स की वैल्यू निकालना है। अगर एक्स वाई जेड आ रहा है तो उन तीनों एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ और उसके बाद वो एक टॉपिक भी समझा रहा है, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस की। कंसिडर कर लो, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू फाइव कर लेते फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू जेड इक्वल टू माइनस वन। इसी तरह थ्री एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड इक्वल टू टू। अच्छा, अगर आप इन तीनों इक्वेशन में देखो तो तीन अननोन है, एक्स वाई जेड। तो आपने इनको सॉल्व करने का मतलब क्या है? आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल, ये मैंने रैंडम नंबर लिखे हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये नहीं होगा। कहने का मतलब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये तीन वैल्यूज अगर आएंगी तो इसको आप क्या बोलोगे? सॉल्यूशन। आप बोलोगे सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन बोलोगे आप? कि जब आप इन वैल्यूज को इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। जैसे अगर आप यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करोगे, तो ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी? फाइव के बराबर। इसी तरह एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करो तो ये पूरी इक्वेशन माइनस वन के बराबर। इसी तरह यहाँ पे पुट करो, ये पूरी चीज टू के बराबर होगी। तो सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि आपने जो जो सॉल्यूशन आपके पास आया है ना, वो सेटिस्फाई करे। मतलब जब आप पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी राइट हैंड साइड के बराबर। तो आपके पास एक सिस्टम आएगा, आपका जो मेन गोल होगा वो ये सॉल्यूशन मालूम करना होगा। अब इस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे मालूम करना है, इस टॉपिक पे हमें आना है। ठीक है, बेसिक बात तो हमने पढ़ ली, क्या सिस्टम होता है, क्या लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व कैसे करना है, जरा उस पर हम आते हैं। सॉल्व करने से पहले आप समझो कि दो किस्म के सिस्टम होते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कितने किस्म के सिस्टम आ सकते हैं। सबसे पहला सिस्टम है जिसको आप क्या बोलते हो? होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम वो होता है कि जिसमें आपकी जो कांस्टेंट है वो सब जीरो होते हैं। कैसे? कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फर्क है? ये एक्स वेरिएबल है ना, तो ये एक वेरिएबल की टर्म है, ये वाई है, वाई वेरिएबल होता है, जेड वेरिएबल होता है। अगर आप इस फाइव को देखो तो ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आया। ठीक है,
तो ये कांस्टेंट कहलाता है। इसी तरह यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसी तरह यहाँ पे ये कांस्टेंट है। अगर आप देखो आपकी इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो सब जीरो होगी, तो जो आपका सिस्टम है वो कहलाया जाएगा होमोजेनस सिस्टम। तो होमोजेनस क्या होगा कि जो कांस्टेंट है वो सब क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। तो आप बोलोगे जो आपका सिस्टम है वो होमोजेनस सिस्टम। तो इसका मतलब नॉन होमोजेनस क्या होगा, आप इसको ये बात बोल दो। क्या बोलोगे आप, नॉन होमोजीनियस वो होगा जिसमें कांस्टेंट आपके जीरो ना हो, नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन एक बात है इसमें, बिल्कुल अगर ये सिचुएशन आ जाए तो अब आप इस सिस्टम को क्या बोलोगे। देखो एक चीज होती है सिस्टम और एक चीज होती है कि सिर्फ एक इक्वेशन को आप देखो। किसी भी एक इक्वेशन को अगर आप होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस बोलोगे ना, तो तब आप कब बोलोगे। बिल्कुल अगर आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे बताओ इक्वेशन नंबर टू क्या है, मैं भी एक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर टू है ये होमोजेनियस है, क्यों, कांस्टेंट जीरो है इसके अंदर। इसी तरह इक्वेशन नंबर थ्री जो है ये होमोजेनियस है क्योंकि कांस्टेंट जीरो है इसके अंदर। जबकि इक्वेशन नंबर वन जो है ये होमोजेनियस नहीं है क्योंकि कांस्टेंट इसके अंदर जीरो नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, नॉन होमोजेनियस। ये मैं अलग अलग इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप पूरे सिस्टम की बात कर रहे हो तो पूरे सिस्टम के अंदर आपको सब कॉन्स्टेंट को एक साथ देखना पड़ेगा। अगर आप पूरे सिस्टम को बोल रहे हो कि होमोजीनियस है, इसका मतलब सारे कॉन्स्टेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है। और अगर सारों में से कोई एक भी अगर जीरो नहीं है तो फिर आप नॉन होमोजेनियस बोलोगे इसको, ठीक है। नॉन होमोजेनियस के लिए ये शर्त नहीं है कि सारे कांस्टेंट नॉन जीरो हो, नहीं। अगर आप इस सिस्टम को देखो जो मैंने आपके सामने लिखा है, असल चीज जो है ना वो होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस कोई चीज नहीं है। अगर ये वही बात है कि मैंने पढ़ा था कि जो अंधेरा है ये कुछ भी नहीं है, अंधेरा इज एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट को आप निकाल दो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा खुद बजाते कोई चीज एब्सोल्यूट चीज नहीं है, असल चीज होती है लाइट। लाइट को वहां से हटा दो जो पीछे बचेगा उसको अंधेरा बोलते हैं। तो वही चीज है कि असल चीज होती है होमोजेनस, कि सारे कांस्टेंट आपके जीरो होने चाहिए, आप उसको होमोजेनस बोलोगे। अब अगर कोई चीज होमोजेनस नहीं है तो आप उसको नॉन होमोजेनस बोल दोगे। मतलब कोई एक भी कॉन्स्टेंट अगर जीरो नहीं है तो आप उसको नॉन होमोजेनस बोलोगे। तो अगर आप इस सिस्टम को देखो ये नॉन होमोजेनस है। इसी तरह मैं यहाँ पे इधर भी लगा दू, अभी भी नॉन होमोजेनस, अभी भी नॉन होमोजेनियस। तो कहने का मतलब नॉन होमोजेनियस के लिए ये शर्त नहीं होती कि सारे कांस्टेंट नॉन जीरो होने चाहिए, नहीं। अगर कोई दो जीरो है एक नॉन जीरो है तब भी आप नॉन होमोजेनियस बोल सकते हो। दो जीरो है, सॉरी, दो अगर जीरो ना हो कोई एक जीरो हो तब भी वो नॉन होमोजेनियस होगा। होमोजेनियस उस वक्त होगा जब सारे जीरो हो, और जब सारे जीरो ना हो, कोई एक जीरो हो कोई दो जीरो हो, तो वो नॉन होमोजेनियस ही कहलाया जाएगा। तो ये सिस्टम भी नॉन होमोजेनियस है, ये सिस्टम भी नॉन होमोजेनियस है, ये सिस्टम भी नॉन होमोजेनियस है। लेकिन अगर मैं इसको भी जीरो कर दूं अब ये होमोजेनियस बन जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ आ गई हैं। यस सर, अब आखिरी बात समझ लो फिर इंशाल्लाह बाकी कल देख लेंगे हम। वो ये कि इक्वेशन को मैट्रिसेस की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि मैंने बोला एक तो इसको मैनुअल तरीका जो आप लोग मैट्रिक में पढ़ते थे कि इसको एलिमिनेट करवा दो, इसको इसके अंदर पुट कर दो, ये इक्वेशन में अंदर करते थे, वो दो एक्स और वाई के अंदर तो काफी काम इजी होता था। लेकिन जब तीन आ जाए ना वेरिएबल, और तीनों इक्वेशन में तीनों वेरिएबल लिखे हैं, तब आपके लिए कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर वही काम करेंगे जो हम 2.5 में करते थे, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल अगर आपके पास कोई सिस्टम लिखा हुआ हो तो हम 5 कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल -2 कंसिडर कर लो। आपके पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम है तो आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में वैसे लिखोगे कि एक मैट्रिक्स कहलाती है ए, ए मैट्रिक्स आप उसको बोलोगे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। कोफिशिएंट मतलब जो तीनों वेरिएबल है ना इनके कोफिशिएंट आपको लिखने पड़ेंगे। कैसे, जैसे पहली रॉ में आप इक्वेशन वन के कोफिशिएंट लिखोगे, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट 3 है, जेड का कोफिशिएंट 4 है। इसको आप इस तरह समझो कि जो पहला कॉलम है वो एक्स के लिए होगा, जो दूसरा कॉलम है वो वाई के लिए होगा, जो तीसरा कॉलम है वो जेड के लिए होगा। तो पहले वाले कॉलम में एक्स की कोफिशिएंट क्या है 1, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, अच्छा इसमें वाई का कोफिशिएंट -3, इसमें वाई का कोफिशिएंट 3, इसमें जेड का कोफिशिएंट 2, इसमें जेड का कोफिशिएंट -2। तो ये कहलाती है ए मैट्रिक्स जिसको आप बोलते हो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसमें आप क्या लिखते हो कोफिशिएंट लिखते हो, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन में कोई अननोन मिसिंग है तो उसकी जगह जीरो लिखोगे। बिलफर्ज अगर ये इक्वेशन इस तरह लिखी है जिसमें आपको एक्स नजर नहीं आ रहा सेकंड इक्वेशन में, तो एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जीरो लिखोगे, ठीक है। तो इन केस अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो उसकी जगह आपने ये करना है।
अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स होगी जिसको आप बोलोगे एक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होगी? एक्स मैट्रिक्स होगी मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। उसमें आपने क्या लिखना है? अननोन्स लिखना है। तो और ये कॉलम मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब वो कॉलम मैट्रिक्स क्या है वो वजह आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि फिर वरना मल्टीप्लाई नहीं होगी। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें एक एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। और ये तरतीब मैटर करती है, ये नहीं कि आप वाई को ऊपर कर दो, एक्स को नीचे कर दो, जेड को उधर ले आओ। तरतीब मैटर कर रही होगी। तरतीब मैंने कैसे लिखी है कि भाई पहले कॉलम कौन सा है? पहले कॉलम एक्स का है, तो यहाँ पे पहले एक्स लिखोगे। फिर दूसरा कॉलम किसका है? वाई के कोएफिशिएंट क्या है, तो दूसरे में वाई लिखोगे। तीसरा कॉलम जेड का है, तो यहाँ पे जेड लिखोगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी वेरिएबल्स आपके चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल, आपके पास आ रहा है U, V, Z, कंसीडर कर लो तीन वेरिएबल है, तो जरूरी है आपके अंदर भी एक्स होना चाहिए। फिर हर इक्वेशन के अंदर वाई है तो आपका भी वाई होना चाहिए, और फिर हर एक के अंदर जेड है तो फिर आपका भी जेड होगा। तो ये वो बातें जो आपको इस लेवल पे तंग नहीं करेंगी, लेकिन जब सिस्टम थोड़े मुश्किल होंगे, वेरिएबल डिफरेंट होंगे, तो कॉन्सेप्ट काम आएगा उसको, कि जिस ऑर्डर में इक्वेशंस की आपने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई है उसी ऑर्डर में आपको ये अननोन की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। और तीसरी मैट्रिक्स वो भी कॉलम मैट्रिक्स होगी, वो होगी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स, जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिखना होंगे 5, -2 और 1। और आप इसको कैसे बनाओगे? इन सब कॉन्स्टेंट को इक्वल के बाद लेके जाना। अगर कोई कॉन्स्टेंट इक्वल से पहले लिखा हो तो उसको पहले बाद में ले जाना, सबको बाद में लेके जाना, उसके बाद एक कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स बना देना, ठीक है। इससे चार्जिंग पे लगा दूं। सही है। तो अब जब आप ये तीन ए एक्स बी आपने मैट्रिक्स बना लिया, तो उनको आप कैसे लिखोगे? इसको आप सिर्फ इस तरह लिखोगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है? आप लिखो सबसे पहले ए मैट्रिक्स 2, 3, 4, 1, -3, 2, 3, 3, -4। फिर आप लिखो एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और इसको आप इक्वल करो बी के। बी यहाँ पे क्या है? 5, -2, 1। आप यकीन मानो, आप इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, बात एक ही है, तो आपको समझ आ जाएगी कैसे बात एक है। आप इनको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना मैंने आप लोग को बताया है, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, तो आपको खुद ही बात समझ आएगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपने इस वाली मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या सिखाया था? रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करो, 2x आ जाएगा। 3 को वाई से मल्टीप्लाई करवाओगे, 3y आ जाएगा। 4 को जेड से मल्टीप्लाई करवाओगे, 4z आ जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था? अगर कोई दूसरा कॉलम है तो आप जगह छोड़ोगे, एक ही कॉलम है ना, तो कॉलम खत्म हो गए सारे। अब आप सेकेंड रॉ पे आओगे, फिर वही काम करोगे, 1 पे x से मल्टीप्लाई करवाओगे, -3 को y से करोगे, 2 को z से करोगे। आप ऑब्जर्व करो, यही चीजें आ रही है आपके पास। वो देखो, पहली रॉ यहाँ आ रही है, फिर दूसरी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और जो तीसरा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब, लिखने का तरीका अलग है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज बनेगी, और इसको आपने इक्वेट करवाना है किससे? 5, -2 और 1 से। आपने बात पढ़ी थी कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है उस मैट्रिक्स के, इसका मतलब ये पूरी चीज किसके बराबर होगी? 5 के। ये पूरी चीज बराबर होगी -2 के। ये पूरी चीज बराबर होगी 1 के। मतलब ये, तो कहने का मतलब, जो लिखने का तरीका यहां पे आपने सीखा था, अगर आपने उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो आप उसको इस तरह लिखोगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये एक ही बात है। उसके बाद आप ए के साथ किसी तरह कोई हरकत कर लो, जो भी आपने काम करना है वो बात की चीज है, लेकिन मैं बता रहा हूँ लिखने का तरीका, कि आप इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, बात एक ही है, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो 2.5 तो हमारी कंप्लीट हो गई है ना। 2.6 हम इंशाल्लाह आज स्टार्ट करेंगे, और कोशिश रही तो कंप्लीट भी कर लेंगे उसको। तो अगर आप लोग बुक में आओ ना, तो बुक में सबसे पहला टॉपिक यही था कि सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेकिन सॉल्व नहीं किया उन्होंने, पहले बताया था कि होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद एक और टॉपिक लिखा था, सॉल्व अ सिस्टम ऑफ 3 होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 अननोन। उन्होंने देखो, इन दोनों सिस्टम को अलग ट्रीट किया जाएगा। जो होमोजेनियस सिस्टम है उसको सॉल्व करने का अलग तरीका होगा, काफी इजी तरीका होगा, और जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम होगा उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। तो सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर गिवन हो तो आपने उसको सॉल्व किस तरीके से करना है। तो सॉल्विंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात सीख लो आप लोग, वो ये है कि जब आपकी इक्वेशन में फॉर एग्जांपल हम दो अननोन की बात करते हैं उसको तीन पे ले जाएंगे, बिलफर्ज अगर मैं आप लोगों के सामने एक थोड़ा इजी सिस्टम लिखूं, इजी सिस्टम है, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि सॉल्व किए बगैर आप इसका मुझे सॉल्यूशन बता दो कि ऐसी कौन सी एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, कोई स्टूडेंट बता सकता है? जीरो। एक्सीलेंट भाई, बहुत सा जवाब है। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो ले लें सर आप, जब एक्स जीरो होगा तो ये टर्म जीरो, वाई जीरो होगा तो ये टर्म जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी जीरो के बराबर हो जाएगी, सेम यहाँ पे भी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है अब ये सिस्टम होमोजेनस है, कोई भी होमोजेनस सिस्टम होगा उसका एक सॉल्यूशन लाजमी होगा और वो क्या है? जीरो जीरो जीरो। अब दो अननोन में है तो जीरो जीरो, अगर तीन अननोन में होगा तो जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। तो होमोजेनस सिस्टम जिसमें राइट हैंड साइड आपकी पूरी जीरो होती है, कॉन्स्टेंट सारे जीरो होते हैं, उसमें आपका एक सॉल्यूशन तो लाजमी एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा? ओरिजिन होगा, जीरो कॉमा जीरो। अगर थ्री बाई थ्री की बात करो तो जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा। इसको आप कहते हो ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आपके जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यूज है वो सब जीरो हो, तो उसको आप ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हो। तो जो होमोजेनस सिस्टम है उसमें लाजमी एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन लाजमी होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब कुछ ऐसी होमोजेनस होंगी कि जिसमें इसके अलावा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये तो लाजमी होगा, इसके अलावा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा, पहले ये जहन में रख लो, एक बात मैं क्लियर कर दूं, आज तक आप लोगों ने जब भी दो इक्वेशन को सॉल्व किया ना तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन आता था, एक्स की एक वैल्यू आती थी, वाई की एक वैल्यू आती थी, फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू वन आई है, वाई की वैल्यू टू आई है, तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन आता था। मैट्रिक में अभी तक आप लोगों ने ऐसी कोई इक्वेशन नहीं देखी जिसमें सॉल्यूशन ज्यादा आ रहे हो, एक ही सॉल्यूशन आता था। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी जिसमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, उसकी फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसी को हम थोड़ा मॉडर्न थोड़ा अच्छा कर देते हैं, इसको इसको 4x कर देते हैं, इसको 6y कर देते हैं। तो एक सॉल्यूशन तो आपको पता चल गया कि ओरिजिन है, क्योंकि होमोजेनस ओरिजिन तो लाजमी हो, और इसके बाकी सॉल्यूशन भी है। फॉर एग्जाम्पल आप बनाते हैं सॉल्यूशन, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ, नहीं इजी करते हैं ना, इसके अंदर मैं 3 पुट कर देता हूँ, ये 6 हो जाएगा, इसके अंदर मैं 2 पुट करूंगा या -2 कर देता हूँ, तो ये सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला, x की जगह 3 पुट करो तो 3 टू का क्या होगा 6, y की जगह पे -2 पुट करो, -2 को 3 से करो -6, 6 और -6 क्या होगा 0, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये जो सॉल्यूशन है इसको भी सेटिस्फाई होगा, करके देख लो, x की जगह पे 3 पुट करते हैं, y की जगह पे -2 पुट करते हैं, 4 3 12, 6 -2 -12 अगेन 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो सिस्टम मैंने आपके पास लिखा है ना, इसका एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन तो आपको पता है ओरिजिन है, एक सॉल्यूशन ये है। इस टाइप के मैं बहुत से सॉल्यूशन बना सकता हूँ, अगर आप लोग चाहो तो खुद बना सकते हो, आप बस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा लो, दूसरी खुद ही हो जाएगी। इसको सेटिस्फाई करवाने का दूसरा तरीका, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 6 पुट करते हैं और यहाँ पे आप 4 पुट कर दो, यहाँ पे 6 पुट करो और यहाँ पे -4 पुट कर दो, तो ये भी इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, ये पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, दूसरी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, चेक करके देखिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी जिसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो अपनी हैबिट बना लो, ये नहीं कि हमेशा एक ही सॉल्यूशन आएगा, ज्यादा सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। अब वो वजह बाद की बात है कि ऐसी क्या वजह है कि जिसके तहत ज्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं, वो बाद में हम जाएंगे, लेकिन पहले अपना माइंड क्लियर कर लो कि जरूरी नहीं कि एक सॉल्यूशन आएगा, ज्यादा भी आ सकते हैं। इसी तरह ये भी अपना माइंड बना लो कि जरूरी नहीं है कि हर दफा सॉल्यूशन आए, ऐसी भी इक्वेशन होंगी जिसके सॉल्यूशन ही नहीं आएंगे। अब ये कौन सी इक्वेशन है, मैं आप लोगों करके दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ ऐसी भी, ये तो होमोजेनस है ना, होमोजेनस में सॉल्यूशन आएगा आएगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी इक्वेशन की एग्जांपल देता हूँ जिसमें सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, वो नॉन होमोजेनस ही होगी ऑब्वियसली, वो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 4, 4x + 6y = 1, आप इन इक्वेशन को सॉल्व करके देख लो, सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। अब स्टूडेंट के ध्यान में आते, जरा ट्राई करते हैं, सर बोल तो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, जरा ट्राई कर लेते हैं, नॉर्मल जो आपने तरीके सीखे हैं ना सॉल्व करने के, उसी से जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप क्या करो, आप इक्वेशन 1 को फॉर एग्जांपल किससे मल्टीप्लाई करवाओ, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, और फिर क्या करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दो, तो ये हो जाएगा 4x, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6y इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन तो एज इट इज आप कॉपी कर दो,
साइन चेंज करते हैं ना, ये देखो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, यहाँ पे आ गया जीरो और एट माइनस वन क्या होता है सेवन। अब मसला जरा समझो वो क्या है, आपने एक वेरिएबल को कैंसिल करने की कोशिश की, आपने कहा यार मैं एक्स को कैंसिल करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हुआ ये कि जब टू से मल्टीप्लाई किया तो आपका एक्स वाई दोनों कैंसिल हो गया। और कैंसिल होना ये कोई गलत बात नहीं थी, गलत बात ये थी कि रिजल्ट में जो इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन गलत है, जीरो सेवन के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि राइट हैंड साइड में एट माइनस सेवन, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो मतलब जीरो। तो कैंसिल होना गलत बात नहीं है, अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन देखना यहाँ पे फर्क क्या होता। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो वो इक्वेशन नंबर वन को टू से मल्टीप्लाई करो, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू टू, और दूसरी को एड्रेस कॉपी कर दो, तो यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में जो इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन ठीक है ना, जीरो इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन यहाँ पे अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, जीरो इज इक्वल टू सेवन, सेंस ही नहीं बना रही है। तो इन दोनों बातों की एक्सप्लेनेशन क्या होगी वो देता हूँ एक सेकंड में, कोई स्क्वायर एक्सप्लेनेशन ये होगी कि जब आपको दो इक्वेशन या अगर इसको हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और रिजल्ट में आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो गलत आ रही है, जैसे ये आ रही थी क्या बिल्कुल सॉल्व करने लगे और जो रिजल्ट में इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन है नहीं, वो गलत इक्वेशन है, इसको हम क्या कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं शायद, कि जीरो इज नॉट इक्वल टू सेवन, ये कैसे हो सकता है जीरो सेवन के बराबर है। तो फिर इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक सॉल्यूशन छोड़ो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जो बैक वक्त इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा इन दोनों को सेटिस्फाई अगर आप ग्राफिकल देखो ना, जब आप इन स्ट्रेट लाइन को ग्राफ के ऊपर बनाते हो तो इस तरह बनती है, कंसिडर कर लो इसकी लाइन इस तरह बन रही है और इस वाले की लाइन इस तरह बन रही है, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं ना ये वो पॉइंट होता है जिसको आप कहते हो सॉल्यूशन। जैसे कंसीडर कर लो एक ऐसा सिस्टम आप कंसीडर करो जिसका एक सॉल्यूशन है, तो उसको ग्राफ में अगर आप देखोगे ना उसका मतलब ये बनेगा कि जब आप उन दोनों स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये जो कॉमन पॉइंट है ना ये सॉल्यूशन होता है जो आप निकाल रहे होते हैं आपके। तो अभी तीन तरीके के हो सकते हैं, एक तो आप मैट्रिक में पढ़ते थे कि एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो आप ग्राफ बनाओगे आपको ग्राफ इस तरीके का नजर आएगा। दूसरा जो मैंने अभी बताया था कि एक से ज्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, अब देखो मैंने दो इसके तीन सॉल्यूशन आप लोगों को बताए इस सिस्टम के, एक दो तीन, मैं इनफाइनाइट बता सकता हूं, मैं कुछ भी बना लो अपनी तरफ से, आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा लो ये खुद ही हो जाइए, तो इनफाइनाइट में बना सकता हूं। तो उसको अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो कैसे नजर आएगा कि एक स्ट्रेट लाइन अगर आपने इस तरह बनाई है, दूसरी जो है वो इसके ऊपर ही होगी, इसके ऊपर लाइन कर रही होगी, तभी तो इनके दरमियान इनफाइनाइट पॉइंट होंगे कॉमन। असल बात होती है आपने देखना होता है कॉमन पॉइंट क्या है जो दोनों लाइन के ऊपर है, तो जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी तो इनके दरमियान इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे जो सभी आपको मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब दो बातें मैं आप लोगों को समराइज कर देता हूं, फिर तीसरी पे आता हूं कि अगर आपको एक सॉल्यूशन मिले, अभी मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, तो जब आप उनको ड्रॉ करोगे तो आपको पिक्चर ऐसी नजर आएगी कि एक कॉमन पॉइंट होगा। अगर आपको ज्यादा सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इनफाइनाइट मतलब ज्यादा मिल रहे हैं, तीन चार पांच छह दस, इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये तो मैंने तीन पॉइंट आपको बताया, अगर मुझे एक दिन दो मैं इसके हजार डेढ़ हजार लिख के दे दूंगा सॉल्यूशन आपको, तो इनफाइनाइट आप बना सकते हो। तो ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये सिचुएशन नजर आएगी कि आप जब दोनों लाइन को ड्रॉ करोगे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर वो सब सॉल्यूशन होंगे। तो एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं भाई, लाइन रुकती थोड़ी ना, कि लाइन इधर भी भर रही है लाइन उधर भी भर रही है, तो अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो कॉमन होंगे इनके दरमियान, तो ग्राफ आपको इस टाइप का नजर आएगा, ठीक है। और नजर आने की वजह यह कि दोनों बेसिकली सेम ही लाइन है, अगर आप इसको टू से मल्टीप्लाई करो तो एग्जैक्ट सेम इक्वेशन हो जाएगी ना, तो जब इक्वेशन दोनों की सेम है तो फिर ग्राफ डिफरेंट कैसे होगा, तो दैट्स व्हाई आपको नजर आ रहा है कि वो एक दूसरे के ऊपर लाएगा, ठीक है। ये दो कंडीशन होती है, और तीसरी ये होती है कि सॉल्यूशन ही ना आए। सॉल्यूशन ना आने का मतलब क्या है कि वो दोनों लाइन पैरेलल है। अब देखो अगर दो लाइन पैरेलल होंगी उनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट आ सकता है? नहीं, कभी भी नहीं आएगा कॉमन पॉइंट, ये तो पैरेलल है। पैरेलल की डेफिनेशन ही क्या होती है कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो उनके दरमियान कभी कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई उनके आंसर में क्या मिलेगा आपको, ऐसी टाइप की कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही होगी, ऐसी इक्वेशन मिल रही होगी जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, गलत इक्वेशन जिसको आप बोलते हो। तो ये हमेशा उस वक्त होता है जब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो ये वाली एग्जाम्पल है जिसमें आप बोलोगे नो सॉल्यूशन। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें हम सॉल्यूशन बना देते हैं, जैसे 2x plus 3y equal to 4, 3x minus 2 equal to 1. आप इसको सॉल्व करना, आपके पास एक ही आंसर आएगा, सॉल्व करके देखेंगे। तो ये वो सिस्टम है जिसका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन है, ग्राफ आपको इस टाइप का नजर आएगा, ठीक है।
और ये वो सिस्टम है जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जिसका ग्राफ आपको इस तरह नजर आएगा कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाइन कर रही होंगी, ठीक है, और कोई भी आप पॉइंट पिक कर लोगे वो हमेशा सेटिस्फाई कर रहा होगा। जबकि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसका ग्राफ इस टाइप का होगा, ये पैरेलल लाइंस होगी, इनके दरमियान कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो जब आप इनको सॉल्व करने लगोगे तो आपको ये चीज मिल रही होगी। और जब भी कोई इस टाइप की लाइंस होंगी जिनके दरमियान इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है, तो जब आप सॉल्व करोगे ना आपको ये मिलेगा कि आपका एक्स और वाई कैंसिल हो जाएगा और जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन ठीक होगी, जीरो इज इक्वल टू ठीक। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू पुट कर लो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जब ये चीज मिले समझ जाना यार इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर ये चीज मिले तो समझ जाना नो सॉल्यूशन। और जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करने लगोगे ना तो दोनों वेरिएबल कैंसिल नहीं होंगे, एक कैंसिल होगा दूसरे की वैल्यू निकाल लोगे, उससे आप पहले की वैल्यू निकाल लोगे। तो इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक एक वैल्यू दोनों की आ रही होगी, इसको सॉल्व करोगे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही होगी, और इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन जीरो इक्वल टू जीरो मतलब एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो इसको भी कर रही होगी। ये तीन सिनेरियो है जो मैंने आप लोगों को क्लियर किया। तो मुझे बताओ यहाँ तक बात क्लियर है अभी तक सबको, सबके जवाब चाहिए मुझे। जी सर। बाकी तो बच्चों को क्लियर है या नहीं? बड़ा मुश्किल काम है माइक्रोफोन करना यार, टाइम जाया करोगे तुम लोग। बस अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना, अगर नहीं पूछोगे तो अपना नुकसान करोगे। तो ये मैंने आप लोगों को तीन सिचुएशन बता दी है, ठीक है। तो इन तीन सिचुएशन को अभी थोड़ा होल्ड पे रखो, क्योंकि मैं बात कुछ और बताना चाह रहा था, वो निकलते निकलते कुछ और बात चली गई है, लेकिन अभी मैं इस टॉपिक पे आना चाह नहीं रहा था, वो खुद ही आ गया हूं मैं। तो इसको जरा जहन में रखो, तीन किस्म के मैंने सॉल्यूशन बताए, एक तीन किस्म का ये समझ लो आपको मैंने सिचुएशन बताई है। एक सिचुएशन में आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, एक सिचुएशन में आपके पास एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, और तीसरी सिचुएशन में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो इनको जरा होल्ड पे रखो, इनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर कुछ देखना चाह रहे हैं इसको। तो जो हम बात कर रहे थे ना अभी, वो हम बात कर रहे थे होमोजेनियस सिस्टम की, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि होमोजेनियस में दो ही सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन कि आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आए, ट्रिवियल का मतलब जीरो जीरो जीरो, ट्रिवियल सॉल्यूशन आप कहते हो उसको जीरो कॉमा जीरो, तो एक सिचुएशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पास ट्रिवियल के अलावा सॉल्यूशन आ जाए, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि ट्रिवियल के अलावा भी वहां आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो। जैसे ये मैंने एग्जांपल दी थी आपको, ये जो है इस पे आप कुछ भी पुट कर दो सेटिस्फाई हो रही है। तो दो सिचुएशन बनती है होमोजेनियस में, या तो एक सॉल्यूशन आएगा जिसको आप ट्रिवियल कहते हो, या आपके पास दो सॉल्यूशन या आपके पास दूसरी सिचुएशन क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, या तो एक आएगा या इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या बोलेंगे नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन जो जीरो के अलावा हो उनको आप कहोगे नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है जो जीरो कॉमा जीरो हो, तो नॉन ट्रिवियल क्या होगा जो जीरो कॉमा जीरो ना हो। तो आपकी इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल भी आ सकते हैं, और आपकी इक्वेशन देखो ये तो लाजमी होगा होमोजेनियस के अंदर, ट्रिवियल तो लाजमी होगा। नॉन ट्रिवियल का वर्ड इसलिए यूज होता है कि अदर देन जीरो कॉमा जीरो, क्योंकि ये तो कंफर्म है कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन है ये सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। नॉन ट्रिवियल का मतलब यह है कि इसके अलावा क्या सॉल्यूशन है, तो आप बोलोगे अगर है तो आप बोलोगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, और अगर जीरो कॉमा जीरो के अलावा नहीं है तो आप बोलोगे जस्ट ट्रिवियल सॉल्यूशन ही है। तो होमोजेनियस के अंदर दो सिचुएशन होती है, उसी को हमने पढ़ना है, ठीक है। अब इसको मजीद थोड़ा आगे लेके जाते हैं। एक चीज है कि वो सॉल्यूशन मालूम करना कि वो सॉल्यूशन क्या क्या है, और दूसरी चीज है कि पता करना कि इसके अंदर ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है और आपको मालूम करना हो कि इसके अंदर ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है, मतलब निकालने की जरूरत नहीं, जस्ट मालूम करना है आपको, तो मालूम आप किस तरीके से करोगे। आपने क्या करना है, दो तरीके होते हैं, एक तरीका जो है वो थोड़ा आप लोगों के लेवल का है, और दूसरा तरीका जो बुक में डिस्कस हुआ है वो ओवरऑल सब मैट्रिसेस के ऊपर होगा। एक तरीका ये कि वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर दो अननोन है तो दो ही इक्वेशन हो, उसकी बात कर रहा हूं मैं। मतलब नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन अगर सेम होंगी तो आप ये मेथड यूज करोगे। मतलब अगर तीन इक्वेशन हो और उसके अंदर तीन अननोन हो, चार इक्वेशन हो तो उसके अंदर चार अननोन हो, तो ये वाला मेथड आप आसानी से यूज कर सकते हो। अगर तीन इक्वेशन हो और चार अननोन हो तो आप ये काम यूज नहीं कर पाओगे, और आपको समझ आ जाएगा क्यों नहीं कर पाओगे।
तो आप क्या करोगे, जो आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना आप लोगों को मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में, कि एक्स की कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2, 4 पहले कॉलम में पुट करो, वाई को आप पुट करो इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, नाम दे देते हैं ए के बराबर। ठीक है, आप क्या करोगे, आप जस्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, जस्ट आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगा। अब दो सिचुएशन यहाँ पे बनेंगे, या तो डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा होगा, या डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल टू जीरो आ रहा होगा, ये दो सिचुएशन है। तो यहां से आप समझ जाओ डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो अगर नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन अगर बराबर होंगे, कि दो अननोन है और दो ही इक्वेशन है, तीन अननोन है तो तीन ही इक्वेशन है, तो आप ये मेथड लगा सकते हो। लेकिन अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं बन रही, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, तो आप उसका डिटरमिनेंट निकाल ही नहीं पाओगे, तो फिर आप दूसरे मेथड पे जाओगे। तभी बुक ने दोनों मेथड डिस्कस किए हैं, तो मैं भी आप लोगों को दोनों मेथड बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास इस टाइप की कोफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर है, जो आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 2.6 में, उसमें सारी स्क्वायर ही आपको मिलेंगी, तो आप क्या करो, आप डिटरमिनेंट निकालो। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो समझ जाओ इसके अंदर एक ही सॉल्यूशन आएगा, जिसको आप बोलते हो यूनिक सॉल्यूशन, और वो क्या होगा, ट्रिवियल होगा। क्योंकि होमोजेनियस का अगर एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो वो लाजमी ये होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन तो लाजमी आता है। तो अगर एक ही सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन है। और कैसे पता चलेगा, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ रहा है, इसका मतलब उस होमोजेनियस के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी होंगे, जो मैंने बना के भी आपको दिखाई दे रहे, कि मैंने अभी 2-3 तो खड़े होकर बना दिए फॉरन, आप बेशक बनाते रहो जितने बनाना चाह रहे हो, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे उसके अंदर। लिख देता हूं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जितने बनाना चाहो आप बनाओगे, ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल अदर देन 0.0 बहुत सॉल्यूशन आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो जस्ट आपने डिटरमिनेंट निकालना है। अब जैसे ये था ना, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आप लोगों को क्या लगता है, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है? ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल होंगे, नॉन ट्रिवियल निकाल के दिखाए थे आप लोगों को, इसके दो सॉल्यूशन मैंने और निकाले थे, एक तो सॉल्यूशन ये था, बाकी दो और निकाले थे, आप जितने निकालना चाहो निकाल लो इसके। उसका मतलब इसमें सिर्फ ट्रिवियल नहीं है, बल्कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी आएंगे। भाई आप खड़े खड़े निकाल सकते हो, जैसे एक तो मैंने आप लोगों को भी बताया था कि 3 पुट करो और -2 पुट करो, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए मैंने बताया था 6 पुट करो, -4 पुट करो, तो अदर देन 0.0 इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं ना, तो फिर आप क्या बोलोगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ये बात क्लियर होती है सबको? यस सर। जहां मतलब पूछ लेना भाई, टॉपिक ये बच्चों वाले नहीं है, तभी मैं सबको बोल रहा था भाई खुदा का वास्ता एडमिशन ले लो, पढ़ लो वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये वो टॉपिक है जो अभी ही पढ़ोगे सेकंड ईयर में तो यूनिवर्सिटी में, पहले सेमेस्टर में आकर तंग करेंगे, या दूसरे सेमेस्टर कभी ना कभी आके तंग करेंगे, तो बेहतर है अभी पढ़ लो, सीख लो सही तरीके से। तो कोई भी सवाल हो पूछ लेना फौरन, छोटा हो बड़ा सवाल हो, कोई समझ ना आ रही हो बात, फौरन पूछ लेना। तो अगर आप इस सिस्टम की बात करो, इसमें आपको खुद मैंने बताया कि इसके 0.0 के अलावा भी सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब आप बोलोगे इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो 0.0 तो ऑब्वियसली बात है वो तो होगा, अदर देन 0.0 तो आप नॉन ट्रिवियल बोलोगे, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आप इसके बना सकते हो। तो आप चेक करना, देखना इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा होगा। ये तो मैंने मैनुअली आपको करके दिखाया ना, अब अगर आप मैनुअली ना करो, आपके पास जस्ट इक्वेशन है, आप उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, डायरेक्ट डिटरमिनेंट आपको बता देगा यार उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे। जरा डिटरमिनेंट निकालते हैं इस मैट्रिक्स का, 2, 3, 4, 6, तो 2, 6, 12 -4, 3, 12 डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। तो हमने तो ये बात पढ़ी थी, जब डिटरमिनेंट 0 आया तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे उसके अंदर। दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपको मालूम करना हो, अभी मैं सॉल्यूशन निकालने का तरीका नहीं बता रहा, मैंने सॉल्यूशन निकालने का तरीका नहीं बताया, मैंने जस्ट आपको बताया अगर मालूम करना हो आपको कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल है, तो कैसे करोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, अगर 0 ना आए तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, जिसको आप बोलते हो यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन, और अगर डिटरमिनेंट 0 आए तो आप बोलोगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जिनको आप बोलोगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये मालूम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी तरह मालूम करने का एक और तरीका भी होता है, वो होता है रैंक से आप बताओ, ठीक है। अब रैंक का तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है आपके पास कि अगर जो रैंक है, जो भी मैट्रिक्स आप होमोजेनियस है, इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करो ना, उसके बाद रैंक निकालो इसका। मैंने आप लोगों को बताया मैं रैंक किस तरीके से निकालते हैं। अगर रैंक आप निकालो और वो रैंक जो है वो बराबर है एन के,
एन के बराबर ही है ना। हाँ, अगर आपने रैंक निकाला और रैंक जो है वो आपका एन के बराबर आ रहा है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अननोन जो आपका सिस्टम होगा, इसमें एन क्या है यहाँ पे टू है, मतलब दो अननोन है ना आपके पास। तो अगर आपका रैंक जो है वो अननोन के बराबर आ जाए, बिलफर्ज अगर आपकी इक्वेशन में तीन अननोन है और उसका रैंक थ्री आ जाए, या आपकी इक्वेशन में चार अननोन है उसका रैंक फोर आ जाए, या आपकी इक्वेशन में दस अननोन है और अब जब आप रैंक निकालो उसका रैंक टेन आए। अब ये जो मेथड है ना, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y + 4z = 0, 5x - 2y + 3z = 0। अब ये होमोजेनियस सिस्टम है लेकिन ये स्क्वायर तो नहीं है, तीन अननोन है और दो इक्वेशन है, तो अब ये डिटरमिनेंट वाला तरीका तो कर ही नहीं सकते आप। तो आप क्या करोगे, रैंक निकालोगे, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन रही है ना 2, 5, 3 - 2, 4, 3, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। आप क्या करो, आप इसका रैंक निकाल लो। अगर इसका रैंक जो है वो दिखने में आपको लग रहा है कि जब आप इसका रैंक निकालोगे वो डेफिनेटली कम ही आएगा नंबर ऑफ अननोन से, क्योंकि रैंक क्या होता था, रैंक होता था नंबर ऑफ रॉस जो नॉन जीरो हो, तो उसके अंदर है ही दो रॉस, तो डेफिनेटली इसका जो रैंक है वो लेस देन अननोन आएगा। तो इसका मतलब ये वाला यहाँ पे बात नहीं होगी, इसके अलावा भी आपको सोल्यूशन मिलेंगे, ये मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो अगर रैंक जो है वो एन के बराबर आ रहा है, जैसे इस सवाल में था आप इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना, अगर इसका रैंक टू आ रहा है, मतलब जितने अननोन है उतना रैंक आ रहा है, तो आप बोलोगे यार इसके अंदर एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर रैंक आपका लेस देन एन आ रहा है, मतलब जितने नंबर ऑफ अननोन है उससे कम आ रहा है अगर आपका रैंक, तो फिर आप बोलोगे कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे और उसके अंदर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। अगर आप चाहो तो इसका रैंक निकाल के देख लो, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था ना, इसको इकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना, देखना इसका रैंक वन आ रहा होगा। रैंक वन आ रहा है इसका मतलब दो अननोन है, तो वन इज लेस देन टू डेफिनेटली, रैंक जो है वो लेस देन एन है, एन यहाँ पे टू है ना, दो अननोन है इसके अंदर। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इक्वेशन आपको बता रही है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। यहाँ पे स्टूडेंट का एक सवाल हो सकता है कि सर रैंक अगर लेस देन एन आ रहा है तो मैंने क्या बताया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आगा। जैसे जो मैट्रिक्स है ना आप लोगों के सामने, ये जो लिखी हुई है, आप लोगों ने इसको चेक कर लिया डिटरमिनेंट वाले मेथड से कि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, तो दैट्स व्हाई क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल आना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आना चाहिए। तो ये अगर आप रैंक वाली टेक्निक लगाओ ना तब भी बात वैलिड है। रैंक अगर आप इसका निकालो, रैंक सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आपने लीडिंग एलिमेंट वन करना होता है, तो उसको वन कैसे करोगे, टू से डिवाइड करोगे, तो ये वन हो जाएगा और थ्री को टू से डिवाइड करो, थ्री अपॉन टू, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, वन के नीचे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो माइनस फोर से पहली रॉ को और एड कर दो रॉ टू के अंदर। तो जब आप पहली रॉ को माइनस फोर से करोगे तो माइनस फोर को फोर में करो, ये जीरो हो जाएगा, और जब थ्री अपॉन टू को आप माइनस फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सिक्स आएगा, माइनस सिक्स को जब इसमें ऐड करोगे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो इसका रैंक क्या होगा, वन होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही नॉन जीरो रॉ है, तो रैंक इसका वन है, जबकि इस इक्वेशन में अननोन कितने थे, दो थे, तो डेफिनेटली रैंक जो है वो लेस देन एन है, मतलब नंबर ऑफ अननोन है, तो दैट्स वैसे कितने सॉल्यूशन होने चाहिए, वो चीज मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। तो इसके नॉन ट्रिवियल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने चाहिए, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक अभी बताऊंगा आप लोगों को। और अगर रैंक जो है वो एन के बराबर आ जाए, ये अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो इसकी ले लेना, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 3, 1 ये कर लेना, कंसिडर कर लो। अगर आपकी इक्वेशन हो 2x + 3y, 3x + y = 0, तो अब जब आप यहाँ पे रैंक निकालोगे ना तो रैंक देखना यहाँ पे एन के बराबर ही आ रहा होगा, मतलब रैंक यहाँ पे टू आ रहा होगा, करके देख लेना, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन में आप डिटरमिनेंट भी बेशक इसका निकाल लो, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके अंदर एक ही सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन होगा ओरिजिन, मतलब 0.0 आ रहा होगा। तो या तो रैंक एन के बराबर आएगा या रैंक लेस देन एन आएगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें रैंक जो है वो एन से ग्रेटर हो जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप जबरदस्ती बनाना भी चाहो तो नहीं बन सकती। जबरदस्ती बनाने का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने तीन दो इक्वेशन लिखी थी ना, आप इस तरह कर दो, फॉर एग्जाम्पल 3x + 4y = 0, 4x - 2y, लेट्स से 3x + 4y और 2x - + 3y। अब किसी के जहन में आ सकता है यार इसके अंदर मैट्रिक्स जब आप बनाओगे तो चार रो आएंगे, तो मे बी यहाँ पे रैंक जो है वो 3 या 4 आ जाए और अननोन यहाँ पे 2 है, मतलब रैंक ग्रेटर आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना 3, 4, 4 - 2, 3, 4 और 2, 3, आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लो, आप इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो। जब इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे क्या होगा, सबसे पहले इसको 1 बनाओगे ना
और वन के नीचे सब जीरो लाओगे तो ये वन के नीचे सब जीरो आ जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट रॉ है उधर यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट होगा, आप जब इसके ग्राउंड फॉर्म में बनाओगे तो यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट आएगा। तो अगर यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट अदर देन कोई जीरो आ रहा है तो उसके नीचे भी आपको सब जीरो बनाने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो आखिरी की दो रॉ है ये लाजमी जीरो होगी, जब आप इसको ग्राउंड फॉर्म में कन्वर्ट करने लोगे आखिरी दो रॉ लाजमी इसकी जीरो होगी। हाँ ये भी हो सकता है कि ये वाली रॉ भी जीरो हो जाए, पर नहीं भी हो सकती, लेकिन ये बात कंफर्म है कि आखिरी दो रॉ जीरो होंगे जब आप इसको इकलॉन फॉर्म में बनाओगे। तो या तो रैंक इसका टू आएगा या अगर ये वाली रॉ भी जीरो होगी तो इसका रैंक वन आएगा। कभी भी नंबर ऑफ अननोन से ज्यादा रैंक नहीं आ सकता, इसके अंदर दो अननोन ही है। अगर आप देखो इक्वेशन चार है लेकिन अननोन दो है, तो आप बेशक रैंक निकाल के देख लो या तो रैंक टू आ रहा है या रैंक वन आएगा। हमेशा या तो इक्वल होगा नंबर ऑफ अननोन के या हमेशा लेस होगा, ग्रेटर नहीं हो सकता। ये बात मैंने आप लोगों को क्या कहना, ठीक है? तो मेरे ख्याल में काफी आप लोगों को बता दिया। अब वक्त आ गया कि आप लोगों को बताऊं कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। भाई ये हमें पता चल गया कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली इसके अंदर ओरिजिन ही सॉल्यूशन आ रहा है। बस आपको पता चल जाए कि ट्रिवियल है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है 0.0। लेकिन इसके अंदर ज्यादा सॉल्यूशन आएंगे, उनको कैसे निकालोगे वो जरा हम डिस्कस करते हैं। जरा एग्जांपल में डिस्कस करता हूं। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने देखा था कि वो ट्रिवियल आ रहा था, तो मैं आप लोगों को पहले 2 करवा देता हूं, फिर 1 का भी थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि क्या होगा उसके अंदर। अब मैंने आप लोगों को 2 अननोन वाली इक्वेशन से एग्जांपल दी थी, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों की बुक में 3 अननोन वाली है। मेथड सेम ही रहेगा, मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझाने के लिए थोड़ी इजी इक्वेशन मैंने आप लोगों को दी थी। ये इक्वेशन है डेफिनेटली होमोजेनियस है। आपको सवाल ये दिया गया है कि आप इनको सॉल्व करो, अगर इनका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो वो मालूम करो, अगर तो ट्रिवियल है फिर तो मालूम नहीं कर सकते, 0.0 ही आएगा। तो मालूम करने का तरीका क्या है, आप इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या बताया था, ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसमें ए क्या होता है, ए होती है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। पहले कॉलम में आप एक्स के कोएफिशिएंट पुट करते हो 1, 2, 3, दूसरे में वाई के कोएफिशिएंट, तीसरे में जेड के कोएफिशिएंट, फिर आपकी आती है एक्स। एक्स यहाँ पे क्या होगा, जो अननोन्स है एक्स वाई जेड, और बी क्या होती है जो आपके कॉन्स्टेंट है जो कि यहाँ पे जीरो के बराबर है। तो ये जो इक्वेशन थी आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये कन्वर्ट करने के बाद आपका ताल्लुक सिर्फ मैट्रिक्स ए से है, बाकी तो है वो तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किया आपने, असल ताल्लुक आपका यहाँ पे ए से होगा। तो सर हम ए को क्या करते हैं, हम ए का रैंक मालूम करते हैं सिंपल, और रैंक मालूम करने के साथ साथ सॉल्यूशन भी आपके पास आ जाएगा। तो आप क्या करो, इसको इकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वहीं से रैंक पता चल जाएगा, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसका ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है, और फिर हम निकाल भी लेंगे। तो जो ए मैट्रिक्स है इसको जरा मैं अब सॉल्व करता हूँ। ये सिंबल मैंने आप लोगों को बताया था इक्विवेलेंट का होता है। अब ये जो ए मैट्रिक्स है ना इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन वो रहेगी जो भी आंसर आएगा वो इसके इक्विवेलेंट ही होगा। मैं वही 3 ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, रॉ ऑपरेशन जो होते हैं। तो ये सिंबल आप लगाती हूँ, और सबसे पहली बात देखो लीडिंग एलिमेंट इसका 1 है, तो पहली रॉ को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस 1 के नीचे आपको सारे 0 चाहिए। तो अब मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि 1 के नीचे मैं 0 कैसे लाऊं, क्या मेथड होगा? सर रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे रो 2। एक्सेलेंट, और रो 3 का भी तुम बता दोगे, सही बताया बिल्कुल। रॉ 2 के अंदर आप चेंजिंग करो, क्या चेंजिंग करो कि आप पहली रॉ को मल्टीप्लाई करो -2 से और ऐड कर दो R2 के अंदर। इसी तरह R3 में आपने क्या चेंजिंग करनी है कि पहली रॉ को मल्टीप्लाई करना है -3 से और ऐड कर देना है तीसरी रॉ के अंदर। इससे ये होगा कि 1 के नीचे सारे जो है ना वो आपको 0 मिल जाएंगे। जरा करते हैं, पहली रॉ तो अपनी जगह पे है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो -2 से, ऐड करो इसके अंदर 0। इसको मल्टीप्लाई करो -2 से -8, ऐड करो -7। इसको -2 से करो -4, -4 -3 अगेन -7। अच्छा जी, अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 से करो -3 आएगा इसके अंदर, ऐड करवाओ 0। इसको -3 से करो -12, ऐड करवाओ -10। इसको -3 से करो -6, -6 को -4 में ऐड करवाओ तो -10। अब आपने क्या करना है, अब आपको नजर आ रहा है वैसे तो काफी सिंप्लीफाइड हो गई है, आपको देखने में लग रहा है कि खराबी होने वाली है कुछ ना कुछ, वो समझ आएगी आपको क्या खराबी होने वाली है। बहरहाल आप प्रोसेस को फॉलो करो। जरा प्रोसेस क्या है कि 1 के नीचे सारे 0 बना दिए, अब नेक्स्ट रो में लीडिंग एलिमेंट आपको 1 चाहिए। 1 कैसे लाओगे, इस रॉ 2 को आप
मल्टीप्लाई कर दो माइनस वन अपॉन सेवन से, तो पहली रॉ अपनी जगह पे, अच्छा दूसरी रॉ को क्या करना है माइनस सेवन से डिवाइड कर दो या वन अपॉन माइनस सेवन से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो माइनस सेवन से डिवाइड करोगे वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ठीक है। और आगे लिख दो आपने क्या किया है, आपने रॉ टू को माइनस वन अपॉन सेवन से मल्टीप्लाई किया, ये आगे मेंशन कर दो। उसके बाद काफी इजी काम है, अब आपको ये लीडिंग एलिमेंट है इसके नीचे भी जीरो चाहिए, तो जीरो कैसे लाओगे, आप इस आर टू को टेन से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो इसके अंदर, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसको टेन से मल्टीप्लाई करो टेन होगा, टेन माइनस टेन जीरो, इसको वन को टेन से मल्टीप्लाई करो टेन, टेन को माइनस टेन में ऐड करो जीरो। मैंने बताया था ना मामला खराब है थोड़ा, वो नजर आ गया आपको कि आखिरी रॉ जो है पूरी जीरो हो गई है। अच्छा जी, और आगे आप लिख दो आपने क्या किया है, आपने रॉ थ्री के अंदर चेंजिंग की है, क्या चेंजिंग की है, रॉ टू को मल्टीप्लाई किया टेन से और उसको ऐड किया आपने रॉ थ्री के अंदर, ये चेंजिंग की थी आपने रॉ थ्री के अंदर। अब अगर आप देखो तो आपकी मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, जब इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए काम आपका मुकम्मल है, आप इक्वेशन का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो और पता भी कर सकते हो कि ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं इसका रैंक क्या आ रहा है, हाँ भाई क्या रैंक है इसका। तो अगर आप देखो इसके अंदर एक्स वाई जेड तीन अननोन है, तो जो रैंक आया है आपका टू और इसके अंदर अननोन कितने हैं तीन, इसका मतलब रैंक जो है वो लेस देन एन है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन्स या इस तरह बोल दो वेरिएबल्स, अननोन्स या वेरिएबल्स आप बोल सकते हो। तो कितने वेरिएबल्स थे, तीन वेरिएबल्स है यहाँ पे एक्स बाय जेड, तो तीन वेरिएबल है जबकि रैंक क्या है टू आया, इसका मतलब रैंक जो है वो लेस देन एन है। और मैंने आप लोगों को बताया था जब रैंक कम हो नंबर ऑफ अननोन्स से तो इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। अब वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकालोगे आप किस तरीके से, ये तो था कि आपने बता दिया कि नॉन ट्रिवियल आएंगे, अब निकालोगे कैसे जरा उसकी बात करते हैं। ये जो सिस्टम आपके पास लिखा था ना ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसमें ये आपकी ए मैट्रिक्स थी, इस ए मैट्रिक्स को आपने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो अब इस ए मैट्रिक्स की जगह आप ये वाली मैट्रिक्स लिख दो 1 4 2 0 1 1 0 0 0, ये ए की जगह लिख दिया, एक्स मैट्रिक्स थी आपकी एक्स वाई जेड इक्वल टू नल मैट्रिक्स थी 0 0 0, तो मैंने बस इस ए मैट्रिक्स की जगह ये वाली लिख दी, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था जो ये आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो इस पे मैट्रिसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, ये ऑपरेशन आप कर सकते हो, तो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स आपस में इक्विवेलेंट है, दैट्स व्हाई आप सिंपल यूज करते हैं। जब आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब आप सिंपल ऑपरेशन करो क्या, कि जो आपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखा था, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स आएगा, फोर को वाई से मल्टीप्लाई करो फोर वाई आएगा, टू को जेड से मल्टीप्लाई करो टू जेड आएगा, इक्वल टू जीरो, जो पहली पूरी रो आएगी वो किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर आएगी। वैसे तो अगर आप देखो तो आपके पास मैट्रिक्स ही आएगी ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर मैट्रिक्स आ रही होगी इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो, फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर जो आ रहा होगा उसको जीरो के बराबर रखोगे, इधर जो आ रहा होगा उसको जीरो के, इधर जो आ रहा होगा उसको जीरो के, तो मैं डायरेक्ट ये काम कर रहा हूं ताकि एक स्टेप हमारा बन जाए। इसी तरह जो ये सेकंड रॉ है इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, जीरो को एक्स से करो खत्म हो जाएगा, वन को वाई से करो वाई, वन को जेड से करो जेड, इसी तरीके से जीरो को एक्स से करो जीरो, जीरो को वाई से करो जीरो, जीरो को जेड से करो जीरो, तो आपके पास इक्वेशन है जीरो इक्वल टू जीरो, तो लिखने की भी इसको जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ रही है और वैल्यूज आपको कितनी निकालनी है, तीन निकालनी है, तो जरा समझो कि हो क्या रहा है। मैंने बताया था कि जो पहला कॉलम है वो एक्स का है, जो दूसरा कॉलम होता है वो वाई का होता है, और जो तीसरा कॉलम होता है वो जेड का होता है, ये बात थी ना। अब अगर आप देखो पहले कॉलम में आपको लीडिंग एलिमेंट नजर आ रहा है, पहले कॉलम में लीडिंग एलिमेंट मौजूद है, दूसरे कॉलम में भी लीडिंग एलिमेंट मौजूद है वन, तीसरे कॉलम में क्या लीडिंग एलिमेंट मौजूद है या नहीं, इसका जरा मैं जवाब दूं, नो सर। अच्छा मेहरीन आपने मुझे आप बताना है कि तीसरे कॉलम में लीडिंग एलिमेंट है, नहीं है सर। तो ये वन क्या है, वन लीडिंग नहीं है सर, उससे पहले वन है ना,
तो लीडिंग एलिमेंट वन पहले वाला हो। हाँ एक्सीलेंट भाई, ये वाला वन जो है लीडिंग कहलाया जाएगा, दूसरा वाला लीडिंग नहीं कहलाया जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक्स के कॉलम में लीडिंग एलिमेंट है, वाई के कॉलम में लीडिंग एलिमेंट है, लेकिन जेड के कॉलम में कोई लीडिंग एलिमेंट नहीं। तो जिस कॉलम में लीडिंग एलिमेंट नहीं है उस कॉलम को आप बोलते हो फ्री वेरिएबल, मतलब वो जिस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, ये तीसरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है जेड वेरिएबल को। तो अब आप जेड को बोलोगे फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल की डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे लिखी है, मैं उर्दू में बता दूं, ये बुक में उन्होंने डिस्कस किया होगा कहीं ना कहीं। वैसे इन्होंने लिखा हुआ नहीं है। देखो फ्री वेरिएबल सिंपल ये होता है कि आप उसको किसी के बराबर लेट कर लेते हो, जो फ्री वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है आप अपनी तरफ से पुट करते जाओ। जैसे जेड है ना, मैं यहां पे लेट कर लूंगा, लेट जेड इज इक्वल टू के। क्यों? अब यहां पे देखो जेड फ्री वेरिएबल का मतलब होता है जो जेड की इक्वेशन थी। आप सवाल ये होता है, दो सवाल होते हैं कि भाई फ्री वेरिएबल लेना किसको है, उसका मैंने जवाब दे दिया कि जिस कॉलम में लीडिंग एलिमेंट नहीं है वो फ्री वेरिएबल होगा। तो z के कॉलम में लीडिंग एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब z जो है वो यहाँ पे क्या है, फ्री वेरिएबल है। और फ्री वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मतलब क्यों मैं z को फ्री वेरिएबल कह रहा हूँ, मैं x को क्यों नहीं कह रहा, मैं y को क्यों नहीं कह रहा? वो इसलिए क्योंकि जो तीसरी इक्वेशन आपने बनाई थी, तीसरी इक्वेशन क्या थी, 0x + 0y + 0z = 0। तो पहली इक्वेशन से तो आपने x का सॉल्व करना था, दूसरी से y, तीसरी से आप z को करोगे। तो z हर वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। आप यहाँ पे z की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही होगी। इसका मतलब z आप कुछ भी ले सकते हो। तो फ्री वेरिएबल आपने z को लिया, क्यों? क्योंकि z का मतलब ये है कि आप z की कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले लो। आप यहाँ पे बेशक z की वैल्यू 2 ले लो, 0 को 2 से करो, इसके बराबर आ रही होगी। आप z की वैल्यू 4 ले लो, तब भी सेटिस्फाई होगी। तो उसको हम कहेंगे फ्री वेरिएबल, आप कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। जबकि x के अंदर सिचुएशन नहीं है। x में अगर आप देखो, अगर आप इसमें अगर x को फ्री वेरिएबल लोगे तो x यहाँ पे भी अटैच हुआ है। तो आपने फ्री वेरिएबल किसको लेना होता है, जिसके कॉलम में मैंने बताया था लीडिंग एलिमेंट ना हो। तो फ्री वेरिएबल आपका z हो गया। अब बाकी वैल्यूज जो है वो z के कंपैरिजन में आप निकालोगे। कैसे? z तो लेट कर लिए, k के बराबर है। जो पहली जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये था y = - z। z को अगर आप उधर ले जाओ, y = -x, और z की वैल्यू आपने देख ली k, तो y हो जाएगा -k के बराबर। z k के बराबर है, y माइनस के बराबर है। अब आप तीसरी इक्वेशन को देखो, इसमें पुट करो, यहाँ पे y की जगह पे आप पुट करो, y की वैल्यू माइनस के आई है ना, तो यहाँ पे y की जगह पे आप पुट करो माइनस के। इसी तरह z की जगह पे आप पुट करो k। आप इसको सॉल्व करना, x की वैल्यू ये हो जाएगा माइनस फोर के प्लस टू के, तो एड करोगे माइनस टू के आएगा, उधर ले जाना, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू टू के। ये आपके पास वैल्यू आ गई है x की। तो सबसे पहले बार फ्री वेरिएबल किसको लेना है बता दिया, जिस कॉलम में आपके पास लीडिंग एलिमेंट नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हाई लेवल पे आप जाओगे ना, उसमें जो सिस्टम होता है वो 5x5 मैट्रिक्स का होता है, तब उसमें कंफ्यूजन ये होती है भाई किसको फ्री वेरिएबल लेना है, क्योंकि 5 अननोन है उसके अंदर, तो कंफ्यूजन काफी होती है। मेरे लिए बड़ा आसान था बोलना कि जेड को फ्री वेरिएबल ले लो, क्योंकि आप लोगों के लेवल पे जेड ही फ्री वेरिएबल होता है। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट दिया आप लोगों को कि जिसमें लीडिंग एलिमेंट नहीं होगा, जिस कॉलम में, वो जो वेरिएबल है वो फ्री वेरिएबल होगा। तो इसमें अगर आप देखो फ्री वेरिएबल नहीं है, तो z जो है उसको आपने क्या लेना था, फ्री वेरिएबल। और बाकी जो आपने वैल्यू निकाली है वो इन टर्म ऑफ z निकाली है। अब यहाँ पे आप k की जगह कुछ भी पुट करते जाओ, आपके पास सॉल्यूशन आता जाएगा बिल्कुल। मैं k की जगह यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, y की वैल्यू हो जाएगी -1, और यहाँ पे k की जगह 1 पुट करो, x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1 - 2, ये एक सॉल्यूशन आ गया। आप कहते हो नहीं सर k की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, तो z की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू -2 आ जाएगी, और यहाँ पे जब आप 2 पुट करो तो 4 आ जाएगी, तो 2 - 2 - 4। इस टाइप के आप सॉल्यूशन बनाते जाओ, जितने बनाने हैं आपकी मर्जी, आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना सकते हो, क्योंकि k की जगह कोई भी रियल नंबर आप पुट कर दो, आपके पास x y z की वैल्यूज आती जाएंगी, और वो जो वैल्यूज होंगी वो सेटिस्फाई कर रही होंगी। अगर आपने चेक करना है ना, आप इन वैल्यूज को पुट करके देख लो भाई, आप पुट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वाले सॉल्यूशन को देखते हैं, x की जगह पे 1 पुट करो, ये हो जाएगा 1, y की जगह पे -1 पुट करो, ये हो जाएगा -4, और z की जगह पे 2 पुट करो, ये हो जाएगा +4। एक सेकेंड, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, 1 पुट करो -1 और ये 2 आएगा, नहीं नहीं मैंने उल्टा कर दिया। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं ना, तो x की वैल्यू होगी 2। जब आप k की जगह 1 पुट करोगे तो z आ रहा होगा 1,
और y आ रहा होगा माइनस वन और x आ रहा होगा टू। ऑर्डर देख लेना x y z इस तरह आपने लिखना है। तो अब आप क्या करो, x की जगह पे टू पुट करो, y की जगह पे माइनस वन और z की जगह पे पॉजिटिव वन। तो अब जरा इसको सॉल्व करो, इस जगह टू माइनस फोर प्लस टू, ये पूरी चीज जीरो के बराबर हो रही है, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर हो रही है। इसी तरह इसको आप पुट कर दो इसके अंदर, इसको आप पुट कर दो इसके अंदर, ये सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। इसी तरह दूसरा सॉल्यूशन को भी जरा मैं ठीक करता हूँ, एक्स है यहाँ पे फोर, वाई है माइनस टू, जेड है टू, इसको भी जरा पुट करके देख लेना सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी बन सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकता है। सबसे पहले आपने बताया था कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, उसके बाद आपने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बता भी दिया कि जेड की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, एक्स की वैल्यू ये है, आप के की जगह कुछ भी पुट करते जाओ आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो एंड पे जो आपने लिखना होगा ना वो आपने इस तरह लिखना है, मैं आपको बताता हूँ, इनको जरा मैं बता देता हूँ। एंड पे आपने एक लाइन लिखनी है, लिखने के बाद ना आपने एक लाइन लिखनी है, वो ऊपर जगह मुझे मिल रही है, मैं आपको लिख देता हूँ। आप लिखना हेल्थ सॉल्यूशन आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू है टू के, वाई की वैल्यू है माइनस के, जेड की वैल्यू है के, और आगे के लिख देना, फॉर के बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जीरो। ये जो ऊपर मैंने चीज लिखी है ना, शायद वहां पे क्लियर रहा हूं, मैंने ये चीज लिखी है, इसका क्या मतलब है, देखो हमने के की वैल्यू जीरो पुट नहीं करनी, जीरो के अलावा कुछ भी पुट करनी, क्योंकि अगर के की जगह जीरो पुट करोगे ना तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो 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 आ जाएगी, और वो ऑब्वियस ही बात है, वो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा। हमें पता है ट्रिवियल सॉल्यूशन तो लाजमी है, यहाँ पे हम कौन सा निकाल रहे हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, अदर देन जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। तो आप के की जगह जीरो नहीं पुट करो, आप के की जगह कुछ और वैल्यूज पुट करो तो आपके पास सारे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे। तो मैंने क्या लिखा, के बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर दो, माइनस जीरो मतलब जीरो के अलावा, रियल नंबर के अंदर जीरो भी आते हैं ना, तो जीरो के अलावा आप के की जगह कुछ भी पुट कर दो आपके पास सॉल्यूशन आते जाएंगे। ये सारे आपने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकाल लिए, ठीक है। डेफिनेटली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को आप लिस्ट बना के नहीं लिख सकते ना, इनफाइनाइट है, तो जनरलाइज लैंग्वेज में आप लिख दिया, आप खुद के की वैल्यूज पुट करते जाओ सॉल्यूशन आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वन था ना, क्वेश्चन नंबर वन का जो पार्ट वन है उसकी मैं ए मैट्रिक्स बना रहा हूँ और उसी से आप लोगों को समझा रहा हूँ। वन टू माइनस टू, टू वन फाइव, फाइव फोर एट, ये पार्ट वन करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर वन का। तो जल्दी से जरा मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर बताता हूँ कि यहाँ पे मसला क्या आ रहा होगा। यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, वन है, वन के नीचे जीरो चाहिए आपको, तो इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करवाओ और माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करके ऐड करवाओ, तो रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, ये जीरो हो जाएगा, माइनस फोर प्लस वन ये माइनस थ्री, और फोर प्लस फाइव ये नाइन, माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करो जीरो, माइनस टेन प्लस फोर माइनस सिक्स, टेन प्लस एट एटीन, ये सोल्यूशन आ जाएगी। फिर अब आप इस सेकेंड रो को माइनस थ्री से डिवाइड कर दो तो ये वन हो जाएगा और ये माइनस थ्री हो जाएगा। फिर आप क्या करो नेक्स्ट में, इसको मल्टीप्लाई करो सिक्स से और ऐड करवा दो इसके अंदर, तो इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करो, सिक्स होगा सिक्स माइनस सिक्स जीरो, इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करो ये माइनस एटीन होगा, माइनस एटीन को जीरो से करो, आपके पास ये सिचुएशन बन रही है। अगेन वो वाली सिचुएशन बन रही है, अच्छा इसमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आ रहा है, चलो ये ट्रिवियल कहाँ पे आ रहा था, मुझे लगा था ट्रिवियल आ रहा है, पार्ट वन में तो ट्रिवियल ही लिखा है और नॉन ट्रिवियल है, रैंक तो टू है ना, नहीं रैंक टू है और लेस देन नंबर ऑफ अननोन है ना, तो नॉन ट्रिवियल आना चाहिए इसका। वन टू माइनस टू, टू वन फाइव, फाइव फोर एट, ऐसा होना चाहिए था नहीं, एक सेकंड को, यहाँ पे थ्री लिखा है फाइव की जगह पे, चेंज की है सवाल में, चेंजिंग की है गाइड में, मेरे ख्याल में बुक में यहाँ पे एरर होगा इसलिए उन्होंने गाइड में चेंजिंग की है। फाइव एक्स प्लस फोर आई फेयर जेड, एक्स प्लस टू आई माइनस टू जेड, टू एक्स प्लस फाइव प्लस आई, हाँ यार चेंजिंग कर लो थोड़ी, वो चेंजिंग करने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, लेकिन बुक में जो आंसर है ना क्वेश्चन नंबर वन पार्ट नंबर वन का, बुक में आंसर आ रहा है किसका, एक ही सॉल्यूशन है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो, मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन ट्रिवियल है, जबकि जो उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ वो ट्रिवियल का है नहीं। तो गाइड मैंने देखी है, गाइड में उन्होंने ठीक पता है किस तरीके से किया, उन्होंने यहाँ पे ना इक्वेशन में यहाँ पे थ्री लगाया है,
अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, करके देख लेते हैं। ये आपने क्या करना है, दूसरी इक्वेशन में जो z का कोएफिशिएंट है ना उसको 3 कर लेना, तो फिर आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो बुक के मुताबिक आएगा। मैं बस बुक से आंसर मैच करवाना बता रहा हूँ आप लोगों को, वैसे तो हमने सही किया था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब आपने माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, 4 + 3 क्या किया था हमने, माइनस टू से किया था ना, 0, ये माइनस टू से मल्टीप्लाई किया था माइनस फोर हुआ, माइनस 4 + 1 - 3 और ये हो जाएगा 4, 4 + 3 = 7, ये सिचुएशन मानी थी, ठीक है, और वो तो ठीक थी। फिर आप इसको माइनस 3 से डिवाइड करना, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा -7/3। अब जब आप कैंसिल करोगे तो हाँ ये कैंसिल नहीं हो रहे होंगे, इसको 1 को मल्टीप्लाई करो 6 से और ऐड करवा दो उसके अंदर, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसको जब आप 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये -14 होगा, -14 को 18 में ऐड करना तो यहाँ पे 4 आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आप क्या करना, जो तीसरी वाली रॉ है ना इसको 4 से डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे ये 1 आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इसका रैंक 3 आ रहा है यहाँ पे, 1, 2, 3 रैंक इसका 3 है यहाँ पे, और जितने अननोन है उतना ही आपके पास रैंक आ रहा है। तो आप लिखना यहाँ पे जस्ट ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आएगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, यही आएगा। और अगर आप मजीद क्लियर करना चाह रहे हो ना तो आप जरा पुट करके देख सकते हो, ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाई थी ना इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देख लो, यही सॉल्यूशन आ रहा होगा। इक्वेशन बनाओ, 1 को x से करो x, 2 को y से करो 2y, और -2 को z से करो -2z इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आएगी y -3z इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन क्या होगी, 0 को x से करो खत्म, 0 को y से करो खत्म, 1 को z से करो z इक्वल टू 0। तो देखो z की वैल्यू 0 आ रही है, इस z की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करना, देखना y भी 0 आ रहा होगा, और अगर y और z 0 आ रहा है यहाँ पे पुट करना, देखना x भी 0 आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ट्रिवियल आ रहा है। तो सॉल्व करने से बेहतर है कि आप यहाँ पे लिख देना कि सिंस रैंक जो है वो बराबर है n के, देयरफॉर यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आएगा, और ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब x = 0, y = 0, z = 0 ही आएगा, ठीक है। चाहो तो आप ये स्टेप शो करके भी दिखा देना कि क्यों ये x y z 0 आ रहा है, कोई इक्वेशन बना के दिखा देना। या इसका एक और हेल्प ये है कि जो आप अपने मैट्रिक्स को ना रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जब रिड्यूस इक्लॉन में करोगे तो डायरेक्ट आपके पास ना ये सिस्टम बन रहा होगा, ये चीज 0 होगी, इसी तरह ये भी चीज 0 होगी। तो रिड्यूस में कन्वर्ट करोगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ रहा होगा x = 0, y = 0, z = 0। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं लेकिन पेपर में आपको नॉन ट्रिवियल ही देंगे, ठीक है। अगर ट्रिवियल दे रहे हैं तो मैंने आप लोगों को बता दिया डिफरेंट तरीके हैं, आप इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके मेंशन करो, डायरेक्ट लिख दो तब भी सही है, अगर आप ये स्टेप शो करके दिखा दो तब भी ठीक है, या आप अपनी इक्वेशन को रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो फिर इसमें लेके जाना, डायरेक्ट आपके पास x / z की वैल्यू आ जाएगी 0, उस तरह भी आप कर सकते हो,